हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नोटबुक आई चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप मुझे डेली फॉलो करते हैं तो आपको पता है हम सुबह आते हैं, डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं वो डेली बेस वाला करंट अफेयर्स नहीं, जैसे हम आते थे डेली टॉपिक्स वगैरह डिस्कस करते थे, तो आज वो डिस्कस नहीं कर रहे। आज हम पढ़ेंगे वो है हमारा मई और अप्रैल महीने का जो मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन के फॉर्म में, उसका आज जो है सेकेंड पार्ट है। तो हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा पिछला वीडियो देखा है, 25 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको सॉल्व कराए हैं, और वो जो क्वेश्चन हैं आपके यूपीएससी और स्टेट पीएससी जो भी आप एग्जाम देते हो ना उसके लेवल के हैं। अगर 25 क्वेश्चन है तो मैंने कोशिश की कि 25 कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे क्लियर करूँ, ताकि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ो तो आपको वहाँ पे बहुत सारी नॉलेज एक साथ इकट्ठे मिल जाए। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 26 नंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से सॉल्व करेंगे। उनके सोल्यूशन भी बहुत डिटेल में देखेंगे। तो जो भी पढ़ाने वाली हूँ, देखिए कोई क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, जैसे हमने पिछली बार नाबार्ड के बारे में पढ़ा था, नालसा के बारे में पढ़ा था, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं गवर्नमेंट के उनके बारे में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अगर अब क्वेश्चंस में मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रही हूँ, कोई चीज़ पढ़ा रही हूँ, किसी के बारे में क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड कुछ दो चार पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना के चलिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हमारे 25 क्वेश्चन हो गए थे ऑलरेडी, तो आज हम जाएंगे हमारे 26 क्वेश्चन पर। ठीक है, तो कुछ बच्चे होते हैं ना लास्ट मोमेंट के लिए वेट करते हैं कि हम करंट अफेयर्स लास्ट में पढ़ेंगे, इन्हीं उन्हीं लोगों के लिए है, ऐसे ही लोगों के लिए है जो सोचते हैं हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, समुद्री हीट वेव्स को कैसे परिभाषित किया जाता है। हीट वेव्स बहुत चर्चा में था, आपको उन्हें पढ़ाया था कि लैंड एरिया में हीट वेव्स का क्या मतलब होता है, हिली एरियाज में हीट वेव्स का क्या मतलब होता है। लैंड एरिया में होता है अगर टेम्परेचर आपका 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया और उससे ज़्यादा जा रहा है, तो लैंड एरिया मतलब मैदानी भागों के लिए होता है कि यहाँ पर हीट वेव का खतरा है, हीट वेव अच्छे खासे मोड में चल रहा है। और हिली स्टेशन जो हिल एरियाज होते हैं वहाँ पे अगर 30 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया, तो इसका मतलब होता है कि हिल स्टेशन पर भी यहाँ पे क्या है, हीट वेव है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर जो है इतना नहीं पहुँचना चाहिए हिल स्टेशन पर। अगर इतना टेम्परेचर पहुँच रहा है तो वहाँ के सारी बर्फ़ वगैरह हैं, ग्लेशियर्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी पिघलना शुरू हो जाएंगी, जो कि वहाँ का इन्वायरमेंट ख़राब करेंगी। तो ये हमारा था हीट वेव के बारे में कि लैंड पर हीट वेव क्या होता है और हिल स्टेशन पर हीट वेव क्या होता है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है समुद्री हीट वेव। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, शायद किसी ने ध्यान दिया हो, किसी ने ध्यान ना दिया हो कि समुद्री हीट वेव भी कुछ होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शंस हमारे हैं, जब समुद्री जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस की निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है। 30 आपको बताया है, ये किसके लिए है, हिल स्टेशंस के लिए है। ठीक है, दूसरा है, जब समुद्री जल का तापमान लगातार कम से कम 3 दिनों तक 95% से अधिक हो जाता है, मतलब क्या है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है 3 दिनों तक। ठीक है, जब समुद्री जल का तापमान लगातार कम से कम 5 दिनों तक मौसमी रूप से बदलती सीमा से अधिक हो, मतलब क्या है, लगातार 5 दिन ऐसा हो रहा है कि जितना चेंज टेम्परेचर का होना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए, उसके कंपैरिजन में जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कंटिन्यूसली 5 दिन तक। देखिए, 1 या 2 दिन अगर टेम्परेचर आपको ऊपर नीचे दिखाई देता है तो वो हो सकता है कि मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, ठंड, मतलब टेम्परेचर चेंज होने, मतलब मौसम चेंज होने की वजह से अगर 1-2 दिन तक टेम्परेचर चेंज होता है तो उसको हम यहाँ पर समुद्री हीट वेव्स के बारे में मतलब किस श्रेणी में नहीं डालेंगे, लेकिन अगर 5 दिन तक चल रहा है तो क्या डालेंगे, ये सी स्टेटमेंट हमारा है। चौथा है, जब समुद्री जल का तापमान औसत वार्षिक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है, बोल रहे हैं जब समुद्री जल का तापमान जो है औसत वार्षिक तापमान से 2 डिग्री ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं समुद्री हीट वेव। तो नहीं, हमारा जो विकल्प सही है वो सी है। अगर 5 दिनों तक आपको लगता है कंटिन्यूसली, जब देखिए सारी चीज़ें हमारी एनालाइज की जाती हैं, जब देखा जाता है कि 5 दिन हो गए कंटिन्यूसली सी का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, तो वहाँ पे बोलते हैं कि भाई समुद्री हीट वेव है यहाँ पे। ठीक है, और आपको एक पानी, ये जल के बारे में, समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, उसके बारे में आपको ये याद रखना है, जैसे लैंड एरिया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये मैदान है और यहाँ पर जो है समुद्र है। ठीक है, सूरज की रोशनी जो है दोनों जगह पर प्रॉपर बराबर ही आ रही है। ठीक है, हीट जो है दोनों को बराबर प्राप्त हो रही है, लेकिन क्या है, जो लैंड एरिया होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाएंगे और जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। तो हो सक तभी देखिएगा, आप जब भी नदी, तालाब, झरने पर नहाने जा रहे होते हैं तो हो सकता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है इतना हो कि आपके पैर जले, मतलब ये एरिया है इतना गर्म हो कि आपके पैर जल रहे हैं, आपको बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन अब जब पानी में जाकर नहाएंगे तो आपको ठंडक महसूस हो, क्योंकि पानी जो है धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, तो लैंड एरिया जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इसके लिए जो हमने
समुद्री हीट वेव के लिए हमारा स्टेटमेंट सही है कौन सा, तीसरा, जब समुद्री जल का तापमान लगातार 5 दिनों तक आपको चेंज होता नजर आता है या बढ़ता नजर आता है तो यहाँ पे बोलते हैं कि समुद्री हीट वेव का यहाँ पे खतरा है। ठीक है, देखिए लिखा है समुद्री हीट वेव्स को उस अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जब समुद्री जल का तापमान लगातार कम से कम 5 दिन, 5 दिन कम से कम है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर 3 दिन है, 4 दिन है तो उसको आप समुद्री हीट वेव की श्रेणी में नहीं डालेंगे। ठीक है, मौसम समायोजित सीमा से अधिक हो जाता है, ज़्यादा दिन तक रहता है। ठीक है, वे समुद्री धाराओं और वायुमंडलीय गर्मी हस्तांतरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होते हैं जिससे मूंगा विरंजन और पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न होता है। यहाँ पे मूंगा विरंजन क्या है, कोरल ब्लीचिंग जिसको बोलते हैं, कोरल, जो कोरल रीफ्स हमारी होती हैं, आपको पता है अगर आप अंडमान वगैरह गए हो, गुजरात गए हो तो वहाँ पे जो कोरल रीफ्स हैं वो आपको बहुत रंग बिरंगे कलरफुल देखने को मिलते हैं। जब समुद्र का तापमान कंटिन्यूसली, अभी पता है आपको ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, सी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे कोरल रीफ्स वगैरह हैं वो उनका मतलब विरंजन हो गया, मतलब क्या है, कलरलेस हो गए हैं, मतलब वो मृत हो गए हैं, तो वो होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान तो होता ही है, अब भाई पृथ्वी का जो 70% भाग है जल से घिरा हुआ है, अगर उसमें ही छेड़छाड़ हो रही है, उसमें भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमें उसके साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय चुनाव आयोग, आपको पता है अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं जिसकी वजह से जो है चुनाव आयोग कंटिन्यूअसली चर्चा में बना हुआ था, तो चुनाव आयोग से क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको गलत करके नहीं आने। तो क्वेश्चन हमारा है भारतीय चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नैतिक उपयोग के संदर्भ में निर्देश जारी करने के लिए किसने प्रेरित किया है। बोल रहा है हमारा यहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल में क्या किया है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हमारे हैं, उनको बोला है कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई भी कैंपेन चला रहे हो तो आपको किन किन नियमों को फॉलो करना है, और ये जो मोटिवेशन आया है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो कहाँ से आया है, किसने प्रेरित किया है, उसके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन अधिनियम का उल्लंघन करने की वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। जो हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि आपको इन नियमों के दायरे के तहत रहकर ही अपने लिए प्रचार प्रसार करना है, कैंपेन करना है, इन नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। तीसरा माय स्टेटमेंट है राज्य चुनावों के दौरान सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया गया था। अब हम लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो जाहिर सी बात है अभी अगर राज्यसभा चुनाव के बारे में बात हो रही तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्य चुनाव, सॉरी, चुनाव में हस्तक्षेप के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे यहाँ पे क्यों शिकायत करेंगे, हमारा यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं तो हम डिसाइड करेंगे कौन चीज़ सही है कौन सी गलत है। तो क्या है, हमारा सॉवरेनिटी वाला हो गया भाई कि हमारी अपनी चीज़ें हैं हम अपना देखेंगे, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला वाला भी हमारा गलत हो गया। जो हमारा सही ऑप्शन है ये है लोकसभा चुनाव के दौरान जो हमारे लोक प्रतिनिधि होते हैं वो अगर कभी गलत रास्तों पर जाते हैं, गलत तरीके से इलेक्शन के प्रचार करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए लिखा है भारत के चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन के कारण निर्देश जारी किए हैं, कुछ उल्लंघन हुआ नियमों का, जिसका उद्देश्य जो है राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको पता है कितना ज़्यादा, देखिए ये चीज़ें बनाई गई थी सुविधा के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, लेकिन क्या होता है कई बार किसी नेता की पर्सनल चीज़ें लीक कर दी गई, किसी नेता की इमेज खराब कर दी गई ताकि वोट कम हो जाए, तो इन चीज़ों का दुरुपयोग किया जाता है, जिसमें गलत सूचना फैलाना, किसी नेता के बारे में गलत सूचना फैला दी, डीप फेक, आपको बताया था डीप फेक होता है कि जैसा नहीं है वैसा दिखाना, किसी मतलब मान लीजिए राहुल गांधी जी का एक वीडियो लिया गया और उसको मॉडिफाई करके कुछ चीज़ और दिखाई जाए जबकि वैसा था नहीं, सामाजिक वर्गों के बीच दुश्मनी भड़काना, ऐसे ऐसे वहाँ पे वीडियोस क्लिप द्वारा वायरल हो रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट दिए जाए जिसमें हमारे यहाँ पे क्या हो गया सामाजिक मतलब धर्म को लेकर के वहाँ पर कोई मुद्दा बन जाए, समाज में मुद्दा बन जाए, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चीज़ें स्टार्ट की थी। ठीक है, हमारा 28वां क्वेश्चन है कैटाटुम्बो लाइटनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैटाटुम्बो लाइटनिंग क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट हमारा है यह एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल फिनोमेना है, जो कैटाटुम्बो नदी के मुहाने पर घटित होता है, जहाँ यह माराकाइबो झील से मिलती है, माराकाइबो झील है वहाँ पे बता रहा है, जिस क्षेत्र में घटित होता है उसे विश्व की बिजली राजधानी भी कहा जाता है। तीसरा है इंडीज से ठंडी हवा और कैरेबियन से नम हवा के अभिसरण से संवहन का एक निरंतर चक्र उत्पन्न होता है जिससे इसका निर्माण होता है। हमारे ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, कैटाटुम्बो लाइटनिंग के बारे में बात हो रही है, एक तरीके से लाइटनिंग, तीनों स्टेटमेंट समझ में आ गए आपको।
पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट, मतलब कौन सा सही है इसमें। केवल एक नंबर सही है, एक और दो दोनों सही हैं, दो और तीन सही हैं, एक दो और तीन सही हैं। कुछ लोग कमेंट करेंगे अभी, क्या मैम बीच में चेंजिंग रूम गई थी? चेंजिंग रूम नहीं गई थी, लेकिन गर्मी लग रही है, गर्मी में ब्लेजर पहन के पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए ब्लेजर हटाए। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है एक दो तीन। देखो पहला तो है प्राकृतिक घटना है, बिजली क्या कोई मतलब आर्टिफिशियल हो सकता है? नहीं, नेचुरल घटना है ये, जहाँ पे ये घटित होती है उसको बोलते हैं विश्व का बिजली घर, क्योंकि वहाँ बिजली राजधानी बोलते हैं, क्योंकि ये जो फिनोमिना है आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट देखने को मिलता है। फिर है एंडीज से ठंडी हवा होती है, कैरेबियन से नम हवा, दोनों का अभिसरण मतलब दोनों आकर यहाँ पर मिलती है, जिसकी वजह से नेचुरल फिनोमिना आपको देखने को मिलता है। लोग घूमने भी जाते हैं, देखने भी जाते हैं। देखिए इसके बारे में अगर डिटेल में देखें तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। लिखा क्या है? कैटाटुम्बो लाइटनिंग एक प्राकृतिक चमत्कार आसमान को रोशन करती, जहाँ कैटाटुम्बो नदी, नदी के वजह से इसको यहाँ पे बोलते हैं। वेनेजुएला, याद रखना है कहाँ पे हो रहा है ये, वेनेजुएला में देखने को मिलेगा। माराकाइबो झील से मिलती है। वर्ष में 160 रातों तक होने वाली यह घटना बिजली की निरंतर चमक से पर्यवेक्षकों को मंत्रमुग्ध करती है। तो लोग यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, देखने जाते हैं, क्योंकि साल भर में लगभग 160 बार ये घटना आपको देखने को यहाँ पे मिलती ही मिलती है। दूसरा क्यों सही था? जिस क्षेत्र में कैटाटुम्बो लाइटनिंग होती है उसे बिजली के हमलों की असाधारण आवृत्ति के कारण, मतलब कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसको बिजली की राजधानी का खिताब भी दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा है, ये उच्च घटना एंडीज से ठंडी हवा और कैरेबियन से नम हवा के अभिसरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये नेचुरल फिनोमेना होता है संवहन के कारण, इसलिए हम इसके बारे में यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ये किस एरिया में होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, क्या बोलते हैं, ये सारा समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है बंगाल गजट के बारे में। देखो जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये किसी न किसी रूप में आपको ना तब चर्चा में रही हैं चीज़ें। तो बोला है बंगाल गजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र है। या क्या स्टेटमेंट सही है? मतलब पहला भारत का जो मुद्रित समाचार पत्र था क्या वो बंगाल गजट था? पहला स्टेटमेंट। ये कोलकाता से प्रकाशित होने वाला एक साप्ताहिक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। अंग्रेजी भाषा का है, साप्ताहिक है और कोलकाता से इसके प्रकाशित किया गया था। क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, इसलिए हमारा विकल्प जो है दूसरा हमारा सही हो जाता है। पहला हमारा स्टेटमेंट क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये पहला मुद्रित समाचार पत्र नहीं था। देखिए लिखा होगा यहाँ पे, 29 जनवरी 1780 को एक आयरिश व्यक्ति जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा स्थापित बंगाल गजट को भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है। हिक्की भारतीय नहीं, वे ब्रिटिश भारत में इस प्रयास का नेतृत्व किया गया। भारतीयों का नहीं था ये, आयरिश व्यक्ति थे, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। देखिए लिखा था क्या, भारतीय द्वारा प्रकाशित था, भारतीय द्वारा प्रकाशित नहीं था, ये एक आयरिश व्यक्ति थे जिन्होंने इसका प्रकाशन किया था, इसलिए हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। लेकिन पहला मुद्रित समाचार पत्र होने का इसको खिताब दिया जाता है, दूसरा बिल्कुल सही था। बंगाल गजट एक साप्ताहिक था, अंग्रेजी भाषा में आता था, जाहिर सी बात है भारतीयों द्वारा छापा नहीं गया था, आयरिश व्यक्ति था तो वो अंग्रेजी भाषा में ही छापा जाएगा। ठीक है, कोलकाता से ही छापा गया था। आपको पता है स्टार्टिंग में जब भी आप हमारा हिस्ट्री पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, तो वो जितनी भी चीज़ें एक्टिविटी जितनी भी हुई हैं फ्रीडम को लेकर के, हमारे संविधान को लेकर के, सारी कहाँ से स्टार्ट हुई हैं? कोलकाता से स्टार्ट हुई। ठीक है, जो ब्रिटिश भारत की राजधानी के में राजधानी में एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य करता था। इसका प्रकाशन भारत के पत्रकारिता इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों इतिहास में साबित क्यों हुआ? चीज़ें यहीं से स्टार्ट, जब हम देखते ना कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उसको देख करके आप भी मोटिवेट होते हो कि हम भी ऐसा करेंगे, भाषा बदल देंगे, संपादक बदल जाएगा, भारतीय होगा कोई इसको संपादित करेगा, लिखेगा, तो क्या है चीज़ें हमें यहाँ से एक तरीके से रास्ता मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपने सबने पढ़ा है, यहाँ पे क्या है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के संबंध में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। देखिए हम हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ ले आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है तो समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक काल्पनिक रूप को संदर्भित करता है जिसमें मानव बुद्धि के बराबर ज्ञान को समझने, सीखने और लागू करने की क्षमता होती है।
पहला स्टेटमेंट हमारा ये है, आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम ही यही है कि हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, इन सबको सीखे। जैसे आप जो है एआई का यूज़ किस लिए करते हो, जो एआई रोबोट्स वगैरह होते हैं वो क्या करने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन मतलब बॉडी को या मतलब कुछ भी होता है उसको कॉपी करके ही हम बना रहे हैं। चाहे कोई भी रोबोट हो, आपका कोई एंकरिंग कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, नकल करना चाह रहा है एक मानव की। कोई अगर वेटरेस का काम कर रहा है वहाँ पे रोबोट, तो क्या कर रहा है, नकल कर रहा है। किसी भी चीज़ में देखिए, देखिए सबसे अगर बुद्धिमान कोई व्यक्ति कोई चीज़ पृथ्वी पर है तो वो मानव है। मानव चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मानव ही है जो चीज़ों को बना रहा है, इंसान ही है। अगर एआई इतना बुद्धिमान है तो एआई को बनाने वाला भी कोई मानव ही है, ठीक है। तो किसको कॉपी कर रहे हैं, ह्यूमन नेचर को कॉपी कर रहे हैं। एजीआई बुद्धिमत्ता की एक व्यापक अधिक सामान्यीकृत रूप की कल्पना करता है जो किसी विशेष कार्य तक सीमित नहीं है। जो नॉर्मल हमारे एआई होते हैं, रोबोट्स वगैरह, चैटबॉट वगैरह होते हैं, उनका एक फिक्स पैटर्न होता है कि वो इसी एरिया में काम करेंगे। जैसे कोई एंकर है अगर, तो वो एंकरिंग ही करेगा, उसको आप किसी और काम में लगाने की कोशिश करो, फ्रीडम फाइटर बनाएंगे या फिर किसी और क्षेत्र में भेज देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको स्पेसिफिकली एक ही काम के लिए डिज़ाइन किया गया। लेकिन जो एजीआई है वो किसी एक चीज़ को करने के सीमित नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है, यही इसकी स्पेशलिटी है। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं, तो विकल्प सी सही होगा। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लिखा है, पहला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, कि जनरल इंटेलिजेंस एआई का एक सैद्धांतिक रूप है जो मानव बुद्धि के समान ज्ञान को समझने, सीखने और उपयोग करने में सक्षम है, जो विशिष्ट कार्यों पर केंद्रित संकीर्ण एआई सिस्टम से परे एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि हम क्या हैं, एआई के थ्रू क्या कर रहे हैं, ह्यूमन जो लोग वर्क मतलब क्या होता है, ह्यूमन वर्कफोर्स को कम करने के लिए, भाई एक कोई फैक्ट्री है वहाँ पे 50 लोग काम कर रहे हैं तो उसकी जगह रोबोट्स को ले आए कि 5 मशीन ही काम करेंगे, उसको सारा काम खत्म कर देंगे तो लागत कम हो जाती है। तो क्या करते हैं, ह्यूमन जो काम कर रहा था, जो इंसान काम कर रहा था, उसको कॉपी कर दिया वहाँ पर। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। जो एजीआई होता है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टारगेट को लेकर काम नहीं करता, वहाँ पर बहुत सारे डायमेंशन में यहाँ पर काम किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। जो 31st नंबर क्वेश्चन हमारा है वो बोल रहा है, SCE-200 पारंपरिक क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल ईंधन का उपयोग करता है। पहला स्टेटमेंट हमारा ये हो गया। दूसरा है, SCE-200 परिष्कृत केरोसिन का उपयोग करता है जबकि क्रायोजेनिक इंजन तरल हाइड्रोजन का उपयोग करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, बोल रहा है क्रायोजेनिक, आपको पता है क्रायोजेनिक इंजन जो है बहुत टफ टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या है, इससे जो है पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण जो है बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए हम इसी पर शिफ्ट हो रहे हैं, काफ़ी हद तक हो गए हैं। इसके अलावा हम ग्रीन हाइड्रोजन अलग अलग चीज़ों पर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्रायोजेनिक का उपयोग पहले करते थे हम, अब क्या है क्रायोजेनिक इंजन का तरल उपयोग हाइड्रोजन का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है। तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और व्याख्या भी जो दूसरा स्टेटमेंट पहले की कर रहा है वो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है, SCE-200 वास्तव में पारंपरिक क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में पर्यावरण अनुकूल है ईंधन का उपयोग करता है। इसमें परिष्कृत केरोसिन का उपयोग किया जाता है जो हल्का होता है, भंडारण में आसान होता है और इसे सामान्य तापमान पर संभाला जा सकता है, जिससे पर्यावरणीय लाभ भी मिलता है। समझ में आ गया आपको, पर्यावरणीय लाभ भी मिलता है इससे। इसका मतलब क्या है, जो केरोसिन मतलब जो क्रायोजेनिक इंजन्स होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी बहुत टफ होती है और उनको स्टोर करना बहुत हाई मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, और नॉर्मली जो हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं उसको आप स्टोर करना बहुत आसान है, टेक्नोलॉजी थोड़ी आसान है, इसलिए हम इस पर शिफ्ट कर रहे हैं। SCE-200 ईंधन के रूप में परिष्कृत केरोसिन का उपयोग करता है, केरोसिन ही यूज़ किया जा रहा है लेकिन उसको थोड़ा सा इन्हांस करके। ठीक है, जबकि पारंपरिक क्रायोजेनिक इंजन तरल हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। ईंधन के प्रकारों में ये अंतर दो इंजन प्रणालियों के बीच विशिष्ट प्रोडक्ट विकल्पों के को उजागर करता है जो उनके प्रदर्शन, हैंडलिंग और पर्यावरणीय प्रभावों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं, व्याख्या भी सही की जा रही है। 32 क्वेश्चन हमारा है, भारत में संगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। संगठित क्षेत्र मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसका प्रॉपर वर्किंग आवर्स फिक्स है, उसको पीएफ वगैरह दिया जा रहा है, प्रॉपर सैलरी दी जा रही है, उसको लीव्स वगैरह दी जा रही है, मतलब प्रॉपर जहाँ पे काम किया जा रहा है। असंगठित होता है मतलब कोई मतलब ईंट गारा कर रहा है, भट्टों पे काम कर रहा है, रोड पर काम कर रहा है, कहीं पर ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पे उसके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, उसकी सैलरी फिक्स नहीं है, उसको कोई भी सिक्योरिटी के नाम पर पीएफ वगैरह नहीं दिया जा रहा, उसको असंगठित क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला भारत में संगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा है, संगठित क्षेत्र जो है आर्थिक उतार चढ़ाव से प्रतिरक्षित होते हैं।
ठीक है। पहला है लघु उद्योग जो है संगठित क्षेत्र का हिस्सा है। क्या जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं वो जो है संगठित क्षेत्र में आते हैं या असंगठित क्षेत्र में आते हैं? तो हमारा जो है दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कैसे? जो MSMEs है, मतलब मान लीजिए माचिस की तीलियां बनाते हैं, कोई छोटी सी कंपनी है या कोई छोटा सा उद्योग है जो माचिस की तीलियां बनाता है, तो वहाँ पे जो लोग आएंगे आपको लगता है प्रॉपर उनका वेरिफिकेशन होगा, उनकी ज्वाइनिंग होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको 5 घंटे काम करना, 5 घंटे काम करिए, उसके हिसाब से पैसे लीजिए और जाइए, कोई PF वगैरह नहीं मिलेगा। तो क्या है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। और आर्थिक उतार चढ़ाव से हर एक सेक्टर जो है प्रभावित होता है, चाहे वो संगठित हो या असंगठित हो, इसलिए दोनों ही विकल्प हमारे यहाँ पर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे लिखा है, भारत में संगठित क्षेत्र आर्थिक उतार चढ़ाव से अछूता नहीं है। मैं जैसे बोला कि चाहे जो भी हो, चाहे संगठित हो असंगठित हो, अगर इकोनॉमी में चेंज होगा, उतार चढ़ाव होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे इफेक्ट पड़ेंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है, छोटे पैमाने के उद्यम जो हैं वहाँ पे क्या है, बिल्कुल भी वो संगठित क्षेत्र में नहीं आते हैं। कोई अगर रिलायंस मान लीजिए, टाटा मान लीजिए, इनकी अगर कोई कंपनी है तो उसको हम मान के चलेंगे कि हाँ संगठित क्षेत्र है, यहाँ पे प्रॉपर ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, सैलरी मिलती है महीने की फिक्स उनको, उसके हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, माचिस तीलियाँ बना रहे हैं, मोमबत्ती बना रहे हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, तो वो सारे किस में आते हैं, असंगठित क्षेत्र में आते हैं, जो भी छोटे पैमाने पर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौशल भारत मिशन, इसके बारे में पढ़ाया था मैंने आपको एक दिन आर्टिकल में। कौशल भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन सारी चीज़ों को लेकर के UPSC बहुत क्वेश्चन पूछता है और आपको होता है कि एक दो स्टेटमेंट समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो कौशल भारत मिशन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला हमारा है, स्किल इंडिया मिशन बेहतर रोजगार के लिए युवाओं के कौशल को बढ़ाने पर केंद्रित है, पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। दूसरा है, कौशल भारत मिशन में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी पहल शामिल है। तीसरा है, मिशन कौशल विकास के लिए केवल शहरी क्षेत्रों को लक्षित किया गया है। तो क्या सिर्फ अगर कहीं पे स्किल प्रोवाइड करना है तो क्या ये सिर्फ शहरों में किया जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र के जो नवयुवक हैं वहाँ पर जो लोग चीज़ें सीखना चाहते हैं उनको क्या हम इग्नोर कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चीज़ें गलत हो जाएंगी। देखिए तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यहाँ पे गलत है। सिर्फ दो स्टेटमेंट सही हैं हमारे, पहला और दूसरा, क्योंकि भाई कौशल विकास तो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है ना, चाहे वो व्यक्ति शहर में रहे या फिर ग्रामीण इलाकों में रहे। शहर में लोग रहते हैं तो उनको सीखने के वैसे ही बहुत मौके मिल जाते हैं, तो फोकस तो किया था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, जो गाँव में जो युवा रह रहे हैं, दिन भर घूम रहे हैं, बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, रोज़गार नहीं, मतलब कुछ पैसे कमा ही नहीं रहे, शहर पे खर्चे इतने होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप समझ में आ जाती है बच्चों को, लेकिन ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, खर्चे नहीं होते इतने, आराम से रह रहे तो उनको पता ही नहीं लगता है कि भाई हमें कुछ करना है। जैसे क्या है, आप गाँव में देखिए शादियाँ हो जाती हैं, लड़का कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है कोई मतलब नहीं है, घर पर ज़मीन है, खेत हैं, दो भैंस हैं, और इन सबको देख के आपकी शादी हो जाएगी, दहेज मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बाइक मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे। शहर में देखिए, शहर में अगर होता है तो पहले पूछते हैं आपका लड़का करता क्या है, घर पे बैठा रहता है तो आप मान के चलिए कि भाई शादी तो ढंग की नहीं होगी, हो तो जाएगी लेकिन ढंग की नहीं होगी, ना लड़की ढंग की मिलेगी, ना चीज़ें आपको अच्छे से मिलेंगी। तो चीज़ें क्या है, शहरों में लोग बहुत इन चीज़ों को लेकर सेंसिटिव होते हैं, उनको पता होता है कि भाई शादी वादी करनी तो हमको सेटल होना पड़ेगा, कल को बच्चे होंगे उनको स्कूल वगैरह भेजना है तो उनके लिए पैसे चाहिए होगा, और शहरों में शिक्षा वगैरह जो है बहुत महंगी होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बाकी दोनों सही हैं। क्या है, रोज़गार अच्छा मिले, जब नई चीज़ें सीखेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो उनको क्या होगा, कॉस्ट उनके अंदर, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर चलाना किसी व्यक्ति को नहीं आता है, उनको कंप्यूटर चलाना सीख दिया तो वहाँ पर कोई दुकान थी या कुछ भी था, ऑफिस था, वहाँ पर वैकेंसी थी, पहले फ्री बैठा रहता था, मान लीजिए 10,000 रुपये भी अगर महीने के मिलने लगे, और गाँव में 10,000 रुपये बहुत होते हैं। ठीक है, तो क्या है, चीज़ें अच्छी हो जाती। दूसरा है, कौशल भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी पहल बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, जाहिर सी बात है युवाओं को ही प्रदान करेंगे, किसी वृद्ध 45 साल के 50 साल के व्यक्ति को वहाँ पे आप कौशल प्रदान करने नहीं जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है, डिजिटल इंडिया पहल, ये भी चर्चा में था बहुत ज़्यादा, तो डिजिटल इंडिया पहल के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। पहला हमारा है, डिजिटल इंडिया का लक्ष्य जो है भारत को पूरी तरह से डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है। पहला स्टेटमेंट ये हमारा है कि हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो है हर चीज़ से, हर तरह से डिजिटली इंडिपेंडेंट हो जाए, डेवलप हो जाए। दूसरा स्टेटमेंट, इस पहल का ई गवर्नेंस और प्रौद्योगिकी संचालित सेवाओं पर कोई ध्यान नहीं हो। ई गवर्नेंस, नाम ही ई गवर्नेंस है,
ई मतलब हो क्या आपका, एक तरीके से इंटरनेट वगैरह चीज़ें हो गई, प्रौद्योगिकी मतलब हो गया आपको, टेक्नोलॉजी हो गया, तो इनका मतलब कैसे नहीं होगा, ध्यान कैसे नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। डिजिटल इंडिया में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर्स, आपको पता है यहाँ पे गांव-गांव को वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल सही है हमारा। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट माने दोनों ही सही हो जाते हैं, विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ा होगा, हम चाहते हैं कि देखिए हर जगह टावर वगैरह लगे हुए हैं लेकिन कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है, नेटवर्क नहीं होते हैं, तो उन चीज़ों को, उन कमियों को दूर करने के लिए हम फाइबर हर जगह वाईफाई वगैरह प्रोवाइड करें, नेटवर्क प्रोवाइड करें, ताकि कनेक्टिविटी जो है अच्छी हो पाए। ठीक है, देखिए लिखा है हमारा डिजिटल इंडिया डिजिटल साक्षरता प्रौद्योगिकी अपनाने और नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच सुनिश्चित करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बदलने की आकांक्षा करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा है डिजिटल इंडिया पहल दृढ़ता से ई गवर्नेंस और प्रौद्योगिकी संचालित सेवाओं पर केंद्रित है, हम चाहते हैं कि हर से जो भी सेवाएं प्रोवाइड की जाए लोगों को वो डिजिटली ही लोगों को मिले, तो हमारा ये गलत हो गया है स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड हमारा बिल्कुल सही है, हम क्या कर रहे हैं भारतनेट परियोजना चला रहे हैं, गांव-गांव को हम कनेक्ट करना चाहते हैं फाइबर्स के थ्रू, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है कई चीज़ों को लेकर के, उसी के बारे में है। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा बोल रहा है SEZ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक नियमों वाले निर्देश क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल हम चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करें और कम से कम हमें आयात करना पड़े, तो निर्यात को बढ़ाने के लिए हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, SEZ को करों और शुल्कों से छूट दी जाती है, तो कई टैक्स वगैरह होते हैं उनसे इन एरियाज़ को छूट दी जाती है ताकि निर्यात को वहाँ पर प्रोत्साहित किया जा सके, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं इस बारे में। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो गए, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। देखिए लिखा है SEZ विशिष्ट आर्थिक नियमों वाले होते हैं, यहाँ पे जो है नॉर्मल मार्केट वाले नियम या नॉर्मल इकोनॉमिक क्षेत्र वाले नियम लागू नहीं होते हैं, इनके लिए स्पेशल नियम बने होते हैं और वहाँ पे लोगों को क्या होता है कर वगैरह से भी छूट दी जाती ताकि प्रोत्साहित किया जा सके। मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे जो है यहाँ से कोई चीज़ लेकर के जा रहा है और बाहर बेचना चाहता है, तो बाहर जो है 120 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या है कोई ऐसा एरिया बना दे कि हम आपको छूट प्रोवाइड करेंगे, पहले वो 100 केजी बेच रहा था, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया उसको छूट प्रोवाइड की, तो अब मार्केट में जो है 110 रुपये ही केजी बिक रहा है। ठीक है, आपको लगेगा कि कम में बिक रहा है नुकसान नहीं होगा, नहीं, आप जितना सस्ता से सस्ता बाहर जाके बेचेंगे आपकी प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड जो है ज़्यादा होती है, लोग आपका सामान ज़्यादा खरीदते हैं। आपको मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था शुगर को लेकर के, जो हमारी इंडियन शुगर है उसकी डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत अच्छी खासी है क्योंकि हम काफ़ी कम प्राइस में प्रोवाइड कराते हैं, तो जितने भी शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ को लेकर के हमारी इंडियन गवर्नमेंट पर ये बोल रहे थे कि आप जो है शुगर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हो, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की शुगर इंडस्ट्री जो है उनका नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारी चीज़ें लोग खरीद नहीं रहे हैं। तब इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जो भी शुगर केन्स वगैरह हैं, जो शुगर फैक्ट्रीज वगैरह हैं, होता है कि जैसे जहाँ पे भी गन्ने की खेती होती है वहीं आसपास फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, तो वो फैक्ट्रियाँ ही उनसे खरीदती हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि शुगर केन्स खरीदती हैं और उससे शुगर बना के बेचती हैं और वो अपने हिसाब से चीज़ें कर रही हैं, हमारा वहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, हम वहाँ पे कोई भी MSP वगैरह प्रोवाइड, मतलब हम वहाँ पे कोई भी मतलब MSP या कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे एलिगेशन जो है ख़राब थे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा जो है शुगर का उत्पादन विश्व में कौन सी कंट्री करती है, और अगर उत्पादन के मामले में पहली कौन सी कंट्री है, और एक्सपोर्ट के मामले में कौन सी कंट्री जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है शुगर का। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप दोनों के आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि डेटा एकत्र करने में कठिनाई RTI अधिनियम के तहत जानकारी देने से इनकार करने का वैध कारण नहीं है। मतलब क्या बोला जा रहा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया जिसमें बोला है कि डेटा एकत्र करने में कठिनाई आ रही है, आप ऐसा बोल करके जानकारी देने से इनकार करने का वैध कारण नहीं बता सकते हो। ठीक है, ऐसा कि हमको डेटा एकत्र करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ें हो गई, यहाँ हो गई, वहाँ हो गई, खो गई हैं, मिल नहीं रही है, ऐसा बोल करके आप वहाँ पर जानकारी देने से मना नहीं करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है RTI अधिनियम की धारा 8 केवल उन सूचनाओं को छूट देती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती हैं, अदालतों द्वारा निषिद्ध हैं या व्यापार रहस्यों से संबंधित हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरा वाला ये बोल रहा है, ठीक है, कि अगर आप मना करना चाहते हैं कोई सूचना को देने से तो तीन रीजंस हैं,
तीन ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके तहत आप जो है सूचना देने से मना कर सकते हो। पहला हमारा बोल रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो कि भाई हम अगर आपको बता देंगे तो हमारी सुरक्षा खतरे में आ सकती है, राष्ट्र की सुरक्षा, तो आपको छूट दे देंगे, भाई ठीक है मत बताओ। दूसरा है अदालतों द्वारा निषिद्ध किया गया हो, अदालतों ने ही मना कर दिया हो कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं देनी है, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा कोर्ट केस चल रहा था कि जिसकी हेयरिंग जो है सीक्रेटली हो रही थी, किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं बाहर जानी चाहिए थी, नहीं रिपोर्ट्स में छपना था, नहीं न्यूज़ में आना था, तो उस चीज़ को हो गया। तीसरा है अगर कोई व्यक्ति जो है एक रेसिपी बना रहा है, एक ट्रेड कर रहा है किसी चीज़ को लेकर के, खाना वाना जो मतलब किस चीज़ का भी ट्रेड कर रहा है, और उसका एक सीक्रेट एक रेसिपी है, सीक्रेट उसका कुछ रहस्य है, तो वो उसको देने से मना कर सकता है। ठीक है, तीन हमारे स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि दोनों सही हैं, दूसरा जो है पहले की व्याख्या सही कर रहा है, तीसरा दूसरे चिन्ह बोल दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं करा, तो हमारा जो विकल्प है बी सही है कि दोनों सही तो हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं करा। दोनों स्टेटमेंट जो है एक मतलब पूर्व की तरफ जा रहा है, एक पश्चिम की तरफ जा रहा है, दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाता है। देखिए लिखा है दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुष्टि की डेटा एकत्र करने की चुनौती आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी को रोकने को उचित नहीं ठहरा सकती है, पारदर्शिता और सूचना तक पहुंच के लिए अधिनियम के जनादेश पर जोर दिया। उन्होंने बोला कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमारा है उसके तहत लोगों को जानने का अधिकार है किसी चीज़ को लेकर के, आप ये बोल करके वहाँ पर टाल नहीं सकते हो कि हमें जो है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में समस्या आ रही। ठीक है, ये दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहाँ पर जारी किया था। दूसरा तहत धारा 8 के तहत छूट दी जाती है, तीन चीज़ें मैं आपको बता दी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, कोर्ट ने मना किया हो, या फिर किसी कोई सीक्रेट चीज़ हो व्यापार को लेकर के। ठीक है, 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरावली में नए खनन पट्टों पर रोक लगाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत आता है। ये मैंने आपको बड़ा पढ़ाया था कि अरावली के रेंज किन किन राज्यों में है और किस राज्य में यहाँ पे मना किया गया है। कि अरावली आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पुराना हमारा पर्वत है, और पर्वत क्या है मतलब बहुत बिल्कुल निम्न स्तर पर आ गया है, लगभग ख़त्म होने की कगार पर है, तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं ना क्या है, खनन पट्टी दिए जाते हैं वहाँ पे, खदान वगैरह खोदने के जो पट्टी दिए जाते हैं उसको मना कर दिया था कि इन्वायरमेंटली चीज़ें ठीक नहीं है और वहाँ पे चीज़ें और आपको अच्छी करनी चाहिए, आप ख़राब कर रहे हो, इसको लेकर के यहाँ पे हमारे अरावली में चीज़ों को मना किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिया ऑप्शन हमारे दिए हैं कौन कौन से राज्यों में, इससे आपको पता चलेगा कौन कौन से राज्यों में अरावली पर्वत फैला हुआ है। पहला हमारा है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तीसरा है दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, तो हमारा तीसरा सही है। पहला ये देखो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में क्या आपको इसकी रेंज दिखाई देती है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, कर्नाटक, ये साउथ के स्टेटों को वहाँ तक फैला ही नहीं है ये। ठीक है, तो हमारा जो है दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ये आपका जो NCR का रीजन सारा है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी अरावली की रेंज। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने अरावली रेंज में नए खनन पट्टों की जानकारी पर सॉरी जारी पर रोक लगा दीजिए कि आप नए पट्टे आप किसी को भी नहीं देंगे खनन के लिए, जिससे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात प्रभावित होंगे। इन जगहों पर ही पट्टे दिए जाते थे, ये प्रभावित होंगे। इस उपाय का उद्देश्य क्या है, पर्यावरणीय क्षरण और आवास विनाश के बारे में चिंताओं का जवाब देते हुए क्षेत्र की पारिस्थितिकी अखंडता की रक्षा करना। आपको ऑलरेडी बताया कि भाई वृद्धा अवस्था में मतलब बिल्कुल खत्म होने वाला है अरावली, और आप उसमें खनन करेंगे तो ये पर्वत जल्दी ही खत्म हो जाएगा और भी जो पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो सकती हैं इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, 38 क्वेश्चन हमारा बोला विडाल परीक्षण, ये बीमारी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, इसके लिए परीक्षण कराया जाता, तो वही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विडाल परीक्षण क्या है। तो विडाल परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है ये मानव शरीर में टाइफाइड या आंत्र ज्वर का पता लगाने में मदद करता है। पहला स्टेटमेंट हमारा है कि टाइफाइड को चेक करने के लिए जो परीक्षण कराते हैं वो विडाल परीक्षण है, जैसे एड्स के लिए आपका एलिसा टेस्ट होता है, अलग अलग बीमारियों के लिए आपके अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो विडाल परीक्षण जो है वो टाइफाइड के लिए होता है, ये पहला स्टेटमेंट हमारा है। फिर दूसरा है ये रक्त नमूना में केवल एच एंटीबॉडी की तलाश करता है जो साल्मोनेला बैक्टीरिया के खिलाफ उत्पन्न होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है। पहला विकल्प हमारा सही है कि विडाल परीक्षण जो है टाइफाइड के लिए चेक कराया जाता है। आपको पता होगा आप जब भी बीमार पड़े होंगे, टाइफाइड वगैरह हुआ होगा, तो जो आप टेस्ट कराने आते हैं वो विडाल टेस्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार होता है कि हम टेस्ट तो करा के आए हमें पता ही नहीं कौन सा टेस्ट करा के आए हैं। ठीक है, तो विडाल परीक्षण मानव शरीर के भीतर टाइफाइड या आंत्र बुखार की पहचान करने के लिए एक नैदानिक उपकरण के रूप में काम करता है, जो आपको बताता है कि आपके यहाँ पर आपको टाइफाइड है कि नहीं है, कितना है, क्या है, कैसे है। जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होने वाले एक संक्रामक रोग का निदान
और उपचार करने में स्वास्थ्य पेशेवरों की सहायता करता है। जो भी हमारे डॉक्टर्स वगैरह थे उनको एक राह मिलती है कि कैसे इसका इलाज करना है, इसकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या चीज़ें कम हो रही हैं, इन सब की जानकारी जो है यहाँ से मिलती है। रक्त के नमूनों में विशिष्ट एंटीबॉडी और एच एंटीबॉडी का पता लगाकर विराट परीक्षण प्रभावी ढंग से साल्मोनेला बैक्टीरिया की उपस्थिति की पहचान करता है। तो ओ और एच एंटीबॉडी दोनों की पहचान करता है, वहाँ पे जो लिखा था सिर्फ एक एंटीबॉडी की पहचान करता है, इसलिए जो है दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण। ये आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, हम डेली डिस्कस करते हैं एक एक जगह प्लेस इन द न्यूज़ के बारे में, और इंडियन भी होते हैं कई बार, फॉरनर कंट्रीज़ के होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ाया था मैंने, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा है। ये आसाम के सोनितपुर जिले में हिमालय की तलहटी में स्थित है। पहला स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि ये आसाम के सोनितपुर जिले में हिमालय की तलहटी में स्थित है। दूसरा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में मतदान केंद्रों, स्कूलों और अन्य गतिविधियों पर ध्यान दिया है। जब हमारे इलेक्शंस हो रहे थे तब चर्चा में था, और हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था कि आप यहाँ पे कैंप वगैरह नहीं लगाएंगे, पोलिंग बूथ वगैरह नहीं लगाएंगे, ताकि इस एरिया को डिस्टर्ब ना किया जाए। थर्ड हमारा है ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा मान्यता प्राप्त एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ये जो तीनों चीज़ें लिखी हैं ये बिल्कुल सही हैं। ठीक है, लोकेशन सही है, क्यों मना किया गया था ये भी सही है, और क्या क्या मान्यताएं प्राप्त हैं ये भी सही है। देखिए लिखा है असम के सोनितपुर जिले के भीतर हिमालय के तलहटी में स्थित है, ये बहुत अच्छा खासा जंगल है। यहाँ पे बहुत सारे आपको जीव जंतु जानवर मिलेंगे, बारहमासी नदियां हैं, आपको नॉर्थ में है तो आपको पता है बारहमासी नदियां होंगी ही। एशियाई हाथी, भारतीय सांबर और स्लाथ भालू सहित विभिन्न वनस्पतियां और जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे, जिसके वजह से यहाँ पे मना किया गया हमारे NGT के द्वारा कि यहाँ पे आप ऐसी कोई गतिविधियां ना करिए कि यहाँ पे जीव जंतु या एनवायरमेंट इसका डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी घोषित किया गया, क्योंकि यहाँ पे पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसको सब चीजें घोषित की गई। ठीक है, ये हमारा हो गया इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 40 नंबर है, कामिकेज ड्रोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कामिकेज ड्रोन के बारे में आपको पढ़ाया था मैंने, नॉर्मल देखो ड्रोन सब सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा, छोटा सा ड्रोन जिसमें पंखा लगा होता है छोटे से, और ये उड़ करके आपका डिलीवरी करता है सामान की, या फिर शादियों में आपने इसको उड़ते हुए देखा होगा। लेकिन ये जो कामिकेज ड्रोन है, आपको पढ़ाया था इसके बारे में कि ड्रोन की अवधारणा को ये खंडित करता है, जो आपके दिमाग में इमेज बनती है ना ड्रोन मतलब छोटा सा, इन चीज़ों को खंडित करता है। देखिए लिखा है भारत का पहला कामिकेज ड्रोन कैडेट डिफेंस सिस्टम के सहयोग से विकसित किया गया है, पहला स्टेटमेंट हमारा है। दूसरा स्टेटमेंट है ये सटीक लक्ष्य की पहचान के लिए लंबी अवधि तक लक्ष्य क्षेत्र में घूम सकता है, कोई अगर यहाँ पे टारगेट दिया गया है तो ये यहाँ पे राउंड लगाता रहेगा जब तक कि इसको टारगेट को हिट नहीं कर देता है। इसमें सटीक लक्ष्य क्षमता, ये उड़ान के बीच में लक्ष्य बदल सकता है या मिशन को रद्द भी कर सकता है, अगर मिशन को रद्द करना है तो ये रद्द भी कर देगा, अगर टारगेट चेंज हो गया तो टारगेट चेंज भी कर देगा। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल सही हैं, तो हमारा विकल्प हो जाता है सही सी। ठीक है, देखिए लिखा है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, जिसको शॉर्ट में बोलते हो आप DRDO, के साथ मिलकर कैडेट डिफेंस सिस्टम द्वारा तैयार किया गया भारत का उद्घाटन कामिकेज ड्रोन स्वदेशी ड्रोन तकनीकी में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाता है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही क्यों है, बिल्कुल सही है, उड़ान भर सकता है, और यहाँ पे लिखा है लंबे समय तक लक्ष्य के क्षेत्र पे घूम सकता है, चेंज भी कर सकता है लक्ष्य को अपने, और क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत सक्षम भी है। सटीक मतलब क्या है, अगर कोई इसको टारगेट दिया जाता है तो वो चीज़ बिल्कुल परफेक्टली करता है, इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत सही हैं। क्वेश्चन हमारा 41 बोल रहा है बकाने रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बकाने रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला स्टेटमेंट हमारा है बकाने एक बीज जनित कवक रोग है जो पौधों को जड़ों या सीड्स के माध्यम से संक्रमित करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है ये कवक गिब्रेला फूजी कोरोई के कारण होता है, ये केवल परिपक्व पौधों को प्रभावित करता है, दो स्टेटमेंट हमारे हैं। तो हमारा जो सही है वो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला सही हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो गलत क्यों है इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है बकाने रोग जो है पौधों की परिपक्वता के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, ये नहीं देखता है कि पौधा छोटा है या पौधा बड़ा है, सबको बराबर रूप से प्रभावित करता है, ये युवा और परिपक्व दोनों पौधों के धान के पौधों को समान रूप से प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में असामान्य ऊंचाई, पीली पतली पत्तियाँ, कम
कम कल्ले निकलना, आंशिक रूप से भरे या खाली दाने, मतलब क्या है, धान के खेत में होता है ये, तो अगर होता है तो पत्तियां पीली हो जाती हैं, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, दाने कम पड़ेंगे या दानों की संख्या कम होगी, जो संख्या कम, अगर संख्या ठीक ठाक है भी तो दानों की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी नहीं मिलती, ठीक है, देखने को। 42 क्वेश्चन है, आयात कटौती से परे भारत के खिलौना उद्योग के संदर्भ के भविष्य को आकार देना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको मैंने पढ़ाया था इसके बारे में कि भारत जो है खिलौनों को आयात जो करता है उसको लेकर के एक रिपोर्ट छापी गई है उसके बारे में है, तो इसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया गया है, ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में बोल रहा है कि इसको विश्व व्यापार संगठन ने जारी किया है। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार भारत के खिलौना आयात उल्लेखनीय वृद्धि हुई है क्या, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पहला तो इसने नहीं जारी किया है, दूसरा क्या है, वृद्धि भी नहीं हुई है, तो ना ही एक सही है ना ही दो सही है, ऑप्शन डी हमारा इसलिए सही हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, पहला तो क्या है, बियॉन्ड इम्पोर्ट रिडक्शन लिखा है यहाँ पर, रिपोर्ट का नाम रिडक्शन है और बोल रहा है वृद्धि हुई है। सेविंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया टॉय इंडस्ट्री ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI द्वारा जारी की गई है, तो क्या है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ना कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा। दूसरा बोला था वृद्धि हुई है, नाम ही है रिडक्शन, तो वृद्धि कैसे हो जाएगी, तो लिखा है भारत के खिलौना आयात में उल्लेखनीय कमी यानी 304.1 मिलियन अमेरिकन डॉलर से 64.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर प्रकाश डालती है, कम हुआ है, ठीक है। इसलिए 43 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी एग्रीगेट शेपिंग एग्रीकल्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमीज टुडे एंड टुमारो रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहला है, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है रिपोर्ट का नाम, देखो क्वेश्चन तो, क्वेश्चन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है ना तो उसको बहुत ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्वेश्चन तो अपने आप में सही है, ऑप्शन हमारे गलत होते हैं। तो क्या है, हमें पहली चीज़ पता चली कि विश्व आर्थिक मंच ने रिपोर्ट जारी की है, नाम क्या है, एग्रीगेट शेपिंग एग्रीकल्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो भी इकोनॉमीज ऐसी जो ग्रो कर रही हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर एरिया को हम शेप देंगे अच्छा डेवलप करने के लिए, टुडे एंड टुमारो, आज भी अच्छा होगा हमारा कल भी अच्छा होगा। इस रिपोर्ट का फोकस एरिया क्या है, तो हम कुछ वर्ड्स मार्क कर लेते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमीज टुडे एंड टुमारो, ऑप्शंस हमारे देखते हैं, एग्रीगेट अपनाने में ऐतिहासिक रुझानों का विश्लेषण, इसका लक्ष्य ये रहा है, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कृषि तकनीकी की संभावनाओं की खोज करना, देखो हम यहाँ पे देख रहे थे इमर्जिंग इकोनॉमी मतलब उभरती अर्थव्यवस्थाएं, और फिर एग्रीकल्चर भी है कृषि भी है, तो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, कृषि उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करना या फिर कृषि सब्सिडी पर सरकारी नीतियों का आकलन करना, तो बिल्कुल जो सही हमारा उत्तर है ये है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर का क्या रोल है और उसको और अच्छे से कैसे हम कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे चीज़ें जारी की गई हैं। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के भीतर एग्रीगेट की क्षमता का पता लगाना इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे कृषि प्रौद्योगिकी इन क्षेत्रों में नवाचार और परिवर्तन ला सकती है, ठीक है, तो हमारा ये सही हो गया। 44 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, पारंपरिक कार्बन कैप्चर विधियों से डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज तकनीकी में क्या अंतर है, पारंपरिक रूप से जो भी हम कार्बन कैप्चर करते थे उसमें और अभी हम जो डायरेक्टली एयर से कैप्चर कर रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं कार्बन को, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट देख रहा है, डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लस सीधे वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है, जबकि पारंपरिक तरीके से इसी बिंदु स्रोतों पर ग्रहण किया जाता था, बिंदु स्रोत का मतलब है कि इस एरिया से कार्बन बहुत उत्सर्जन हो रहा है, चलो यहाँ से कार्बन को पकड़ के लाते हैं, ये काम था पहले, लेकिन हमारा जो क्या है DAC प्लस S है वो क्या है, वायुमंडल से कहीं पर भी कार्बन अवेलेबल हो उसका कोई एक बिंदु स्रोत नहीं है, कहीं से भी कार्बन कैप्चर करता है, तो इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारा उत्तर जो है पहले ही मिल गया है, ठीक है, तो हमारा विकल्प ए जो है बिल्कुल सही है। बाकी जो हमारे देखिए लिखा है दूसरा है, पारंपरिक तरीके के विपरीत DAC+S विशेष रूप से CO2 को गहरे भू वैज्ञानिक संरचनाओं में संग्रहित करता है, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। DAC+S कार्बन हटाने के लिए महासागर आधारित तंत्र पर निर्भर करता है, क्या महासागरों पर डिपेंड करता है सिर्फ, बिल्कुल भी नहीं। चौथा ऑप्शन हमारा है, कार्बन कैप्चर के लिए बायो एनर्जी का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं, ये सारे ही हमारे गलत हो जाते हैं, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, डायरेक्टली कैप्चर करते हैं CO2 को जहाँ पर भी अवेलेबल मिल जाता है, हमें किसी बिंदु स्रोत पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है।
45 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है। अभी हाल ही में ये अभ्यास किया गया था, एक्सरसाइज की गई थी, जिसका नाम था शक्ति। इसका 7वां संस्करण किया गया है, कहाँ पर किया गया है इसके बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन हमारा है मेघालय, दूसरा राजस्थान, पंजाब, केरला। तो सही आंसर हमारा होने वाला है मेघालय। मेघालय में किया गया है, ऑप्शन ए सही है। देखिए, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, नाम क्या है, शक्ति, 7वां संस्करण था, फिर हुआ कहाँ है, मेघालय में है। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और अंतर संचालनीयता के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान किया गया है। ज़्यादातर जो भी एक्सरसाइज होती हैं आपस में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए, अलग अलग चीज़ों को लेकर के आगे हम सपोर्ट करेंगे, इन चीज़ों को लेकर ही किए जाते हैं, ठीक है। 46 क्वेश्चन हमारा है डिजी लॉकर के बारे में। डिजी लॉकर भी बहुत चर्चा में आया हुआ था अभी। डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा है, ये केवल CBSE बोर्ड के छात्रों के सत्यापित मार्कशीट ही प्रदान कर सकता है। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट, अपना आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जो भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो। ये डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को जारी करने और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सही है। तो ये क्या है हमारा, केवल दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है इसमें, कि क्लाउडेड आधारित है। आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखना चाहते हो रख लो, और इनकी जो मान्यता होती है, जो भी डिजी लॉकर में आप डॉक्यूमेंट्स रखते हो उनकी मान्यता जो है बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे आपकी हार्ड कॉपीज की होती है। कोई भी आपको मना नहीं करेगा कि नहीं फोटो कॉपी लेके आओ, फोटो कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहाँ से दिखा सकते हो। 47 क्वेश्चन हमारा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इस साल इसने 5 दशकों में सबसे ज़्यादा राजस्व इकट्ठा किया है। इस राष्ट्रीय उद्यान ने सबसे ज़्यादा राजस्व इकट्ठा किया है, पहला। दूसरा है, दक्षिण ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर में कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के बीच स्थित है। बिल्कुल भी नहीं, ये लोकेशन जो है गलत है, इसलिए हमारा सिर्फ सही हो जाता है विकल्प ए, ऑप्शन जो ए हमारा है वो सही हो जाता है। देखिए इसकी लोकेशन कहाँ पे है, असम के हरे भरे प्रदेश के बीच स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर में शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी है और दक्षिण में सुरम में कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के बीच स्थित है, ना कि जो कि स्टेटमेंट में दिया था वो, ठीक है। 48 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, साहित्य अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साहित्य अकादमी अवार्ड दिए गए थे, इसलिए जो ये संस्थान था बहुत चर्चा में था, इसको लेकर के हम क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है, ये साहित्य के अमरों के लिए आरक्षित है। जिसको मिल जाता है उसको बोलते हैं कि ये साहित्य की दुनिया में अमर हो गए, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा है, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं, यहाँ पे तीनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा, रस्किन बॉन्ड को वास्तव में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, जो अकादमी द्वारा किसी लेखक को दी जाने वाली सर्वोच्च मान्यता है। किसी लेखक को जब यह मिल जाता है ना, वो अमर हो जाते हैं साहित्य की दुनिया में। देखिए, साहित्य के अमर कहा जाता है उन्हें, जिनको मिल जाता है ये गहरे। और ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को उठा कर देते हैं, उन्होंने सच में अगर बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, कुछ साहित्य में बहुत अच्छा काम किया है, तभी उन्हें दिया जाता है। टॉपिक्स जो होते हैं ना बहुत सेंसिटिव होते हैं लिखने के, ऐसे लोगों को जो दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करती है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। जो 24 भाषाओं में विभिन्न साहित्यिक गतिविधियाँ चलाती है, जिसमें साहित्य अकादमी फेलोशिप और साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे चीज़ें शामिल हैं। यहाँ पर लिखा है 24 भाषाएँ, हमारे संविधान में तो 22 भाषाएँ हैं। जो दो भाषाएं यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं वो कौन सी हैं, इनके बारे में आपको मैंने पढ़ाया था जब साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ाया था, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये दो भाषाएं जो एक्स्ट्रा हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। 49 क्वेश्चन हमारा है, UNODC के विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट जो जारी की गई थी अनुसार 2015 से 2021 के दौरान कौन से जानवर और पौधे की प्रजातियाँ सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। जो वन्य जीवों के खिलाफ अपराध हुए हैं, चाहे पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, उनके खिलाफ अपराध हुए हैं, उनको मारा गया है, पौधों को काटा गया है, पेड़ों को काटा गया, तस्करी की गई है, उनमें से कौन सी प्रजातियां ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। ऑप्शंस हमारे हैं, हाथी और देवदार, गैंडा और देवदार, बाघ और आर्किड, शेर और कैक्टस। तो गैंडा, आपने पढ़ा हुआ गैंडे के बारे में, बहुत कम आबादी बची है। गैंडे का जो सींग होता है उसको काटने के चक्कर में क्या है,
इनकी हत्या की जाती है और देवदार के पेड़ों को भी बहुत ज़्यादा काटा जाता है। UNODC के वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से लेकर के 21 के दौरान गैंडा और देवदार क्रमशः सबसे अधिक प्रभावित जानवर और पौधों की प्रजातियां थीं, जो व्यापार और शोषण के लिए इन प्रजातियों को लक्षित करने वाली अवैध गतिविधियों की गंभीरता को उजागर करता है कि जो अवैध गतिविधियाँ हो रही थी किसी पेड़ को लेकर के या फिर किसी प्रजाति को लेकर के, वो यही थे गैंडा और देवदार। ठीक है, याद रखिएगा। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 50 नंबर वाला, वित्त वर्ष 2024 में किस देश में संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार से भागीदारी के रूप में प्रस्थापित कर दिया। मतलब क्या है, हमारा जो इंडिया है उसके साथ पहले शीर्ष भागीदार जो था वो US था, उसको प्रतिस्थापित करके कौन सी कंट्री जो है हमारे साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रही है। ऑप्शन हमारे हैं जापान, चीन, रूस या UK। जिसने अमेरिका या मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका USA को प्रतिस्थापित कर दिया है तो चीन है, जिसका हम इतना विरोध करते हैं कि यहाँ का सामान नहीं लाएंगे, यहाँ का ये नहीं करेंगे, वहाँ का वो नहीं करेंगे, वो अलग अलग कंट्रीज को प्रतिस्थापित करके सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है, वो कौन सा है, चीन है। देखिए लिखा है वित्तीय वर्ष 2024 में चीन ने USA को भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है लगभग $118.4 बिलियन तक पहुंच गया है, जो भारत के व्यापार परिदृश्य में चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है। दिख रहा है कि भैया हमारे मार्केट में चीन जो है कितना घुस रहा है और हम उसको रोक भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से न्यूज उठाई थी, वहाँ से क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इस वाले सेगमेंट में हमारे इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी हम जो भी क्लासेस जो क्वेश्चंस बचे हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आने वाली क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िएगा, क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले सारे वीडियोज आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।